नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था, चाशनी में दूध कब डालते हैं, दूध डालने का सही तरीका बताएं। जो भी हमारे प्यारे बहन भाई दोस्त जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप हर प्रकार की जो कमेंट करते हैं, मैं हर कमेंट पर वीडियो बनाता हूँ, दावत के बारे में, एस्टीमेट के बारे में। जो भी हमारे दो चैनल और हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी हमारी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने कमेंट किया, उस कमेंट के विषय में हम जान लेते हैं एक बार, जो कि सही तरीका क्या है दूध डालने का और दूध कैसे डालते हैं हम चाशनी के अंदर। आप ये मान लीजिए किसी भी प्रकार की चाशनी है आपके पास, ठीक है, और उसमें दूध कैसे डालते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक कढ़ाई है, कढ़ाई या कोई भी पतीला बर्तन कुछ भी लगा लीजिए। कढ़ाई के अंदर हमने सबसे पहले तो हमने पानी डालना होगा। लगभग हर प्रकार की चाशनी का अलग अलग मेजरमेंट है भाई, कितना पानी डाला जाता है। मान लीजिए हमने 350 से 400 ग्राम पर किलो चाशनी के अंदर पानी डाल लेंगे। ये 400 ग्राम पानी तक हम डाल लेते हैं 1 किलो चीनी में, ये जो चाशनी हमारी रहेगी बूंदी लड्डू और जलेबी की चाशनी होगी, ठीक है। इसके अंदर 350 400 ग्राम तक पानी की, और पानी हमने डाल लिया 1 कुंटल चीनी के अंदर, हमने 40 किलो पानी डाल लिया, ठीक है। 1 कुंटल चीनी के हमने जलेबी मान लीजिए चाशनी बनानी है, उसके अंदर हमने पानी डाल लिया 40 किलो। फिर इसके अंदर यदि हम दूध डाल लेते हैं तो बिल्कुल वर्स्ट तरीका है, ठीक है। दूध अभी पानी के अंदर हमने दूध डाल लिया तो बिल्कुल अच्छा तरीका रहेगा। यदि फिर भी हमने दूध नहीं डाला तो जो हमारा पानी है कढ़ाई के अंदर, पानी गर्म होने के बाद में हम चीनी डाल लेंगे। चीनी डालने के बाद में हम हमारी जो चाशनी है तैयार करेंगे। जो थोड़ी थोड़ी आधे खपड़ी जो चाशनी हो जाए, आधी पिघल जाए, चीनी आधी बच जाती है, तब हम इसके अंदर दूध डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जो हमारे पास दूध है, फिर हमने क्या करना है, एक तजर्बा अलग होगा दूध डालने का, ठीक है। वो तजर्बा क्या है, ये हमारे पास एक बर्तन के अंदर दूध है, मान लीजिए 1 कुंटल चीनी की चाशनी बनानी है तो हम कम से कम भी 2 लीटर दूध डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। 2 लीटर दूध, और इस दूध के अंदर 2 लीटर हमने पानी मिलाना होगा, ठीक है, ताकि दूध के अंदर हम जो चाशनी है, चाशनी के अंदर दूध डाल लेंगे, डालते समय वो हमारा दूध फट ना जाए। फटते समय जो मैल फटकर ऊपर ऊपर तो आ जाएगा, परंतु छोटे छोटे छिनके छिनके रह जाते हैं चाशनी के अंदर, ठीक है। इसलिए हम जो दूध के अंदर बरोबर का पानी मिला लेते हैं, ठीक है। आप प्योर दूध मत डालना, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। 1 किलो दूध 1 किलो पानी मिला करके आप डाल सकते हैं, यानी कि बरोबर का पानी मिला करके डाल लेना। 5 मिनट अच्छी तरह से मंदी मंदी आंच में पका लेना। उसको पकाने के बाद में जो हमारा सारा मैल है ऊपर आ जाएगा, और उसने आप किसी झरने की सहायता से या छलनी की सहायता से किसी प्रकार से आप ऊपर का मैल निकाल सकते हो। इस प्रकार से जलेबी की चाशनी ली, कोई भी प्रकार की चाशनी है, ली जाती है और दूध डाला जाता है, और फिर आप इसके अंदर मसाला लगा सकते हो, ठीक है, रंग काट, ठीक है। इस प्रकार से आप चाशनी बना सकते हो। गुजारिश करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब है, फॉलो जरूर कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।